बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज। और अभी समय है उत्तराखंड की न्यूज का। तो उत्तराखंड की न्यूज हम इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इससे पहले अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। तो उत्तराखंड की न्यूज मैं आप लोगों को बता दूं कि हर रोज हम आप लोगों के लिए उत्तराखंड की न्यूज लेकर आते हैं सुबह 6 बजे हम आप लोगों के लिए न्यूज लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 अक्टूबर है आज। तो बिजली उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत, लाइन लॉस होगा कम और बकाया देने पर सरचार्ज माफ होगा। इसके साथ ही ऊर्जा निगम ने सभी प्रकार के बिजली उपभोक्ताओं से लंबित बिल का भुगतान करने के लिए 31 दिसंबर तक 100% सरचार्ज माफी की योजना शुरू कर दी है। उत्तरकाशी में नदी में गिरी कार, तो वाहन और 2 शिक्षक जो है वो लापता हैं अभी के लिए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में रविवार की सुबह हुआ ये दर्दनाक हादसा और एक वैगनार जो है वो कार नदी में गिर गई। कार में 2 शिक्षक सवार थे। हादसे के बाद ही कार और दोनों शिक्षक लापता हैं। पंतजलि योगपीठ की साध्वी ने छत से कूद कर दी जान, घटना से हड़कंप मचा। रविवार को हरिद्वार में बहादराबाद के शांतरा शाम स्थित पंतजलि योगपीठ की शाखा वैदिक कन्या गुरुकुल में पढ़ाई कर रही साध्वी वरग्या संदिग्ध परिस्थितियों में गुरुकुल की छत से जो है वो कूद गई है। पीएम नरेंद्र मोदी 7 तारीख को आ सकते हैं उत्तराखंड। 7 अक्टूबर को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दौरे को लेकर कही बातें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड से विशेष लगाव है। यह प्रदेश की धरती पर आ रहे हैं, उनका देवभूमि उत्तराखंड आना हमारे लिए खुशी का क्षण है जिसकी हम सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पीएम मोदी 7 अक्टूबर को उत्तराखंड के ऋषिकेश में आ सकते हैं। इस दौरान वो एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण कर सकते हैं। प्रदेश के विकास के लिए पीएम मोदी हमेशा ही तैयार रहते हैं। धर्मांतरण का आरोप लगा चर्च में मारपीट के बाद तोड़फोड़ और लूटपाट, 250 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। रुड़की के चर्च में हमले की सूचना पर पुलिस ने हड़कंप मच गया। आनन फानन भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा लेकिन तब तक हमलावर भाग निकले। तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। उत्तराखंड में बीते 24 घंटों की बात करें तो 12 नए कोरोना मरीज मिले हैं। एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। 10 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया है और सक्रिय मामलों की बात करें तो 152 एक्टिव केसेस अभी उत्तराखंड में हैं। परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाकर युवाओं ने किया सीएम आवास कूच, पुलिस ने रोका तो सड़क पर बैठकर धरना दिया। सहायक लेखाकार परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए युवाओं ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया है। युवाओं ने उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले आक्रोश रैली निकाली। हालांकि पुलिस ने हाथी बड़कला चौक पर ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी युवाओं ने सड़क पर ही धरना देकर विरोध किया। वीकेंड के दूसरे दिन भी हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटकों की भीड़ रही। हर की पौड़ी समेत सभी गंगा घाट सुबह से पैक नजर आए। बाजारों में भी खूब चहल पहल रही। श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की। शनिवार को गांधी जयंती के अवकाश पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ धर्मनगरी में उमड़ी हुई थी जिसके चलते दिल्ली दून हाईवे पर जाम लग गया और रविवार को काफी संख्या में भारी परदेशों से लोग यहाँ पहुंचे लेकिन जाम जैसी स्थिति नहीं बनी। 3 अक्टूबर 1994 को देहरादून में हुआ था गोलीकांड और 2 आंदोलनकारी हुए थे शहीद। मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे गोलीकांड को लेकर लोगों में उबाल था और आंदोलनकारियों ने देहरादून में रैली निकाली थी लेकिन पुलिस की बर्बरता से 2 और आंदोलनकारी 3 अक्टूबर को शहीद हुए थे। नेवी में तैनात लेफ्टिनेंट कमांडर योगेश शहीद हो चुके हैं। उत्तराखंड में भूस्खलन के दौरान ये लापता हुए थे। नेवी में लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात प्रतापगढ़ जिले के पहला निवासी योगेश त्रिपाठी उत्तराखंड में भूस्खलन की चपेट में आकर शहीद हो गए। मौत की खबर घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। उनका पार्थिव शरीर रविवार को आने की संभावना है। जेठवाड़ा थाना क्षेत्र के बलीपुर परसन निवासी योगेश त्रिपाठी वर्ष 2001 में नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर के पद पर भर्ती थे। वे मौजूदा समय में पर्वतारोहण के लिए उत्तराखंड के चमोली जनपद में पहुंचे थे जहां 2 अक्टूबर को 10 सदस्यों की टीम को 15,000 फीट त्रिशूल पहाड़ी पर पर्वतारोहण करना था। एक छोटा सा गांव देश भर के गांव के लिए बन रहा है मिसाल। पीएम मोदी भी हो गए हैं मुरीद, इस पर लिखी उन्होंने नई इबारत। उत्तराखंड के सभी गांव के लिए क्यार कुली भट्टा गांव मिसाल साबित हो गया है। बिजली पानी से लेकर स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण में गांव अव्वल है। यहाँ हर घर में बिजली कनेक्शन और नल से जल की सुविधा उपलब्ध है। हरिद्वार में गंगा नहाने के दौरान डूबी 3 सगी बहनें, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली हैं। 3 युवतियां परिवार समेत हरिद्वार में गंगा नहाने आई थी और रविवार को नहाने के दौरान युवतियां पानी के साथ तेज बहाव में बह गई।
ऊर्जा निगम कर्मचारी 6 अक्टूबर से बेमियादी हड़ताल पर अड़े, राज्य सरकार लगाएगी एस्मा। एस्मा पहले भी बिजली विभाग पर लगा था, अगर आप लोगों को नहीं पता एस्मा क्या होता है तो चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, वहां पर जाकर आप डिटेल में जान सकते हैं कि एस्मा क्या है। उत्तराखंड में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ भाजपा ने पूर्व पूर्व मुख्यमंत्रियों त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, रमेश पोखरियाल निशंक, विजय बहुगुणा सहित अन्य प्रमुख नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने रविवार को बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर पार्टी की उत्तराखंड इकाई की चुनाव प्रबंधन समिति के 33 विभिन्न विभागों की घोषणा कर दी गई है। ये थी उत्तराखंड से जुड़ी कुछ खबरें। इसी तरीके से उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहिए सुपर आइडियाज।